पर पड़ता था, आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। कोई भी व्यक्ति पंथ और धर्म के आधार पर कोई बात कहता है उसकी कोई मान्यता है नहीं। भारत के संविधान के प्रति सबको समर्पित रहना चाहिए और जो भारत का संविधान नहीं मानेगा उसको कानूनी एजेंसियां संविधान मनवाना जाती है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, मदनी का भड़काऊ पैंतरा, मुस्लिम लड़कियां और अयोध्या क्या नया मोहरा है, मदनी का एजेंडा कट्टर, बाबर को बेगुनाह क्यों बता दिया, और सवाल ये भी कि मुस्लिम लड़कियों के कंधे का इस्तेमाल क्या मदनी वोट बैंक साधने के लिए कर रहे हैं। राज्यों के चुनावी नतीजों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद लोग अब 24 चुनाव की बात करने लगे। उससे पहले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी है। जाहिर है राम मंदिर मुद्दे का असर चुनावों पर देखने को मिल सकता है। इन सबके बीच देश में एक वर्ग ऐसा है जो मुसलमानों को भड़काने में लगा है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक बार फिर अयोध्या को लेकर जहर उगला है। बार बार विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले मदनी ने बाबर को बेगुनाह बता दिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की ओर इशारा करते हुए ये तक कह दिया कि जो आरोप बाबर पर थे वही मौजूदा लोगों पर भी है। सुनिए, जो इल्जाम बाबर के ऊपर पड़ता था आज वो इल्जाम मौजूदा लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि मस्जिद को लेकर के उन्होंने मंदिर बना दिया। बाबर इस इल्जाम से बरी है। आप सोचिए, कहीं ना कहीं ये भी कहते गए अरशद मदनी कि बाबर ने किया क्या था। अयोध्या में राम मंदिर देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद बन रहा है, बल्कि अब तो प्राण प्रतिष्ठा की बारी है। लेकिन मदनी साहब भड़काऊ एजेंडे पर लगे हुए हैं। मदनी यहीं नहीं रुके, भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मदनी ने मुस्लिम लड़कियों का भी सहारा ले लिया और कह दिया कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए। सुनिए, मुसलमानों से कहते हैं कि अपने बच्चियों के अलग स्कूल खोलो, जिनके अंदर बच्चे ना हो, मुसलमान बच्चे नहीं, दो बच्चे बच्चियां अगर हिंदू आती हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि अपनी बच्चियों की पाकदानी की हिफाजत करें, आप उन्हें कबूल कीजिए, बढ़ाइए। तो आठवीं के बाद मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज, ये बात मदनी ने पहली बार नहीं कही है। इससे पहले 13 नवंबर को देवबंद में मदनी ने कहा था कि देश में मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। सुनिए, इसी तरह अगर कोई मुस्लिम मुसलमान बच्ची को एहवा करता है या उसको इस्लाम से मुर्तद बनाकर अपने घर में रखता है, इसका प्रोग्राम की बर्बादी है। हर मुसलमान को इसे समझना चाहिए। हल क्या हुआ, अगर कौम के अंदर हमीयत है, इस दुख को वो दुख समझती है, इस दर्द को दर्द समझती है, तो हर आबादी के अंदर मुसलमानों को जमीन लेकर के चाहे छप्पर का स्कूल बनाना पड़े, आप स्कूल बनाएंगे लड़कियों के लिए। मदनी ने भड़काऊ एजेंडा चलाया तो बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी आई। बीजेपी ने कहा कि जो देश का संविधान नहीं मानेगा उससे देश की एजेंसियां निपट लेंगी। सुनिए, तो कोई भी व्यक्ति पंथ और धर्म के आधार पर कोई बात कहता है उसकी कोई मान्यता है नहीं। भारत के संविधान के प्रति सबको समर्पित रहना चाहिए और जो भारत का संविधान नहीं मानेगा उसको कानूनी एजेंसियां संविधान मनवाना जानती है। चलिए, वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि राम मंदिर की शुभ घड़ी जमीयत डरी क्यों है। बार बार बाबरी का जिक्र, जबकि मंदिर तो करीब करीब बनकर तैयार है, तो मदनी क्या भड़काना चाहते हैं। जमीयत के लिए मोदी से बेहतर बाबर, मतलब कुछ भी कहेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो। बाबर को बेगुनाह बताकर क्या माहौल बना लेंगे अगले साल के लिए। और सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर तो भड़काने वाली बात क्यों। मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल
क्या ये तालिबानी सोच को बढ़ावा नहीं है जो कि तालिबान में आपको देखने को मिलता है? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विनोद बंसल जी बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महंत राजू दास जी महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट, हाफिज नूर अहमद हजारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के, मुमताज आलम रिजवी साहब इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं शुरुआत आज राजू दास जी आपसे कर रहा हूं और इसलिए कर रहा हूं कि मदनी साहब कह रहे हैं कि बाबर बरी हो गया, बाबर बेगुनाह है। सवाल हमसे पूछा जा रहा है जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? पहले तो मैं धर्मनगरी अयोध्या से जितने भी आज इस आपके डिबेट शो में बैठे हैं सभी प्रवक्ताओं के लिए मंगल कामना करता हूं, आपके लिए भी मंगल कामना करता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से मौलाना मदनी का जो बयान है वो अति निंदनीय है, इसकी जितना निंदा किया जाए उतना कम है। बाबर एक आक्रमणकारी लुटेरा बलात्कारी और तो और जो मानवता के अगेंस्ट स्त्री से संबंध के अलावा पुरुषों से संबंध, उसके लिए पुरुष एक रहते थे, ऐसे बेविचारी से तुलना करना मंदिर और मस्जिद से, तो मुझको लगता है मस्जिद से तो कभी उसकी तुलना करना ही नहीं चाहिए। बाबर अगर मस्जिद के लिए आदर्श हो तो फिर इस्लाम के लिए दुर्भाग्य की बात है, इतनी शर्मिंदगी वाली बात है जिसका जवाब नहीं। रही बात मोदी जी से तुलना करना, तो मैं इसको कहता हूँ दुर्भाग्य है कि मोदी जी से तुलना तो मुझको लगता है सारा विपक्षी जो मर्जी आता है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि निजी स्वतंत्रता के नाम पर जिसको कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सनातन के बारे में कुछ भी कह दिया लोगों ने, कहीं कुछ हुआ। अभी इस्लाम के बारे में एक कमेंट कर दे तो सबकी गला कट जाएगा। राजस्थान कन्हैया कुमार को देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी को देख सकते हैं। लेकिन जी जी ठीक है अजारी साहब, ये बाबर का प्रेम बार बार क्यों झलकता है भाई? एक मंदिर आदेश सुप्रीम कोर्ट का, मंदिर करीब करीब बंद करता है यार, लेकिन फिर भी बाबर का प्रेम नहीं छोड़ेंगे। बाबर बरी हो गया, इससे क्या देश के मुसलमानों को लगता है क्या कि ये हमारा सबसे बड़ा हितैषी है? दरअसल मदनी जी बोलते नहीं है, उनसे बुलवाया जाता है, प्लानिंग की जाती है, साजिश के तहत ये सारे काम हो रहे हैं देश में। क्योंकि मंदिर और मस्जिद का जो झगड़ा था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए निपटा दिया गया, तो अब उसकी चर्चा कैसे हो कि मंदिर बनवाया जा रहा है, क्योंकि देश कहीं ये ना जान ले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में दिखाना चाहती है कि ये हमारे जरिए बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर ये रात, हम नहीं बोले राजू दास जी आपके बीच में, हमें आप सुने, अभी आप बहुत कुछ बोल गए, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, आप सुने जैसे हमने आपको बकायदा सुना है। आस्था को आस्था ही रहने दीजिए, आस्था को मंदिरों मस्जिदों से निकाल करके राजनीतिक स्टेज पर मत लाइए, राजनीतिक स्टेज पर मत लाइए इसे, आस्था को आस्था ही रहने दो। आप लोग कहां बाबर सीख रहे हैं, बाबर कब आए थे चले गए, आप बाबर के नाम से राजनीति कर रहे हो? नहीं, तो देशवासियों से वादे किए हैं, दावे किए हैं, उन पर आप ध्यान दो। और मैं तो कह रहा हूँ भाड़ में जाए दावे, भाड़ में जाए वादे, जाने सुरक्षित नहीं है, इज्जतें महफूज नहीं है, इन दावों और वादों का मुतालबा करेगा। अच्छा, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ अजहरी साहब जी, आपको लगता है कि बुलवाया गया है तो बस इतना कह दीजिए अरशद मदनी ने जो भी कहा गलत कहा। नहीं कहा गलत, कहा तो उन्होंने सही, लेकिन सही वक्त पर नहीं कहा उन्होंने। नहीं, कैसे सही कहा भाई? नहीं कहा उन्होंने, उन्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें ये सब कहने की जरूरत ही नहीं। देश देख रहा है, हम आखिर तक लड़े हैं, हम इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक गए हैं, और देश और दुनिया ने इंसाफ के आखिरी दरवाजे का इंसाफ देखा है। बाबर एएसआई की रिपोर्ट ने साबित कर दिया। अच्छा सर, रुक जाइए, रुकिए, राजू दास जी आ रहा हूँ। एक बात देखिए, अजारी साहब मान गए कि मदनी ने सही कहा, तो सुनिए आपके हिसाब से, अरे सुनिए ना अजारी साहब, आप ही के पास हूँ, तो आपके हिसाब से बाबर प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर है?
देखिए बाबर का राज अपने अपने तरीके का था। अरे हाँ या ना में जवाब दे दीजिए ना, इतनी इतनी स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है? हाँ या ना में बोल दीजिए, या तो बेहतर था या तो बेहतर नहीं था। वहां वहां बादशाह थी या हिटलर शाही? और नहीं नहीं, बेहतर बेहतर है या खराब? अरे बेहतर है या खराब? अरे 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 बेहतर बेहतर और गैर गैर बेहतर से यहाँ लेना देना नहीं है। मोदी जी हमारे वजीर आजम है और हमारे वजीर आजम हमारे लिए हर हाल में अच्छे हैं। लड़ाई हमारी। विनोद बंसल जी, इसके बाद आऊंगा शबनम आपके पास। विनोद बंसल जी, मदनी ने जो कहा सही कहा, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कहलवाया गया है। गजब का एजेंडा है इनका राकेश जी। ये इनका चाल चरित्र चेहरा पूरा एक्सपोज हो चुका है। ये मदनी जी नहीं है बेसिकली, ये जो है ना देश को बांटने वाली, काट छांट के और देश को विखंडित करने वाली सब वो शक्तियां हैं जो कि लगातार जहर उगलने का काम करती हैं। और उनको कवर फायर देने के लिए इन्होंने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जिसमें ऑल इंडिया मिशन पर्सनल बोर्ड है, उसमें AIMIM है, उसमें और ये जो दारुल उलूम देवबंद है। ऐसी कट्टरपंथी जिहादी सोच के मानसिकता के लोग जो है ना जी, लगातार बीच बीच में जब इनकी राजनीतिक रोटियां जो सिकना बंद हो जाती हैं। देखिए आप खुद कह रहे थे ना, हाफिज जी को बीच में मत बोलो, आप खुद ही बीच में बोल रहे हैं। मैं तो बीच में नहीं बोला था ना, आप सुनिए जरा। मैं कहता हूँ देखिए, आपने दो बार दो स्टेटमेंट बदले, पहले कहा कि नहीं गलत बोला, फिर कहा सही बोला। आप मुझे बताइए कि जो ये बात बोल रहे हैं उनकी बात को मैं मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि बाबर कोई अपना वंशज मानते हैं तो माने, आपके भी वंशज हो सकते हैं बाबर, मैं मान सकता हूँ उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको बाबर को अपना वंशज मानते हो तो एक बात, दूसरी बात ये मैं कहता हूँ कि अगर मदनी साहब को बोलना चाहिए था तो हलाले पे बोलना चाहिए था। अगर मदनी साहब बोलते कि हम तीन तलाक को बंद बैन करके भारत सरकार ने अच्छा काम किया तो मुझे लगता अच्छा काम होता था। अगर वो हलाल को बंद करने की मांग करते तो समझ में आता कि हम ये भारत के बड़े मुद्दे बात कर रहे हैं। अगर ये इस्लामी जिहादी आतंकवाद को बंद करने की बात करते, लेकिन आपने मस्जिद तोड़ी है। अरे रुक जाइए जारी साहब, अभी तो आपको दिक्कत हो रही थी, अब आप विरोध बंसल के बीच में बोल रहे हैं तो आपको सही लग रहा है। अरे विनोद रुक जाइए ना, बार बार कहेंगे कि बाबर ने कुछ नहीं तोड़ा था तो नीचे से मिला क्या था? गैर इस्लामिक स्ट्रक्चर अंदर पहले से जमीन में धंसा हुआ था क्या? झूठ बोला, मत जाइए उस पर। अरे हाँ तो रुक जाइए, रुकिए, बार बार अपने हिसाब से व्याख्या देंगे तो देश उसको सही नहीं मान लेगा। विनोद मंसल जी अपनी बात पूरी करिए, फिर शब्द मैं आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए भाई, रुकिए। राकेश जी कुछ जो है ना एंटी डिप्रेशन पिल भी मंगा के रखा करो अपने डिबेट के पैनलिस्टों के लिए, ज्यादा ठीक है। बेकार हार्ट फेल हो गया तो आपके मरी बच्ची अबामन किसे लग जाएगी, अच्छी बात नहीं। मैं कहता हूँ पानी पीजिए, आप सब जरा सुनिए बात को, देखिए गंभीरता से सुनिए। मैं कहता हूँ राम आपके भी वंशज है, आप भी राम के ही वंशज है मैं कहता हूँ। और आप जो है ना, आपका बाबर से कोई रिश्ता नहीं है मुझे पता है आपका, लेकिन फिर भी बार बार आपके अंदर का जो रावण है, आपके अंदर का जो बावर है, वो बार बार कूदता है। ये आपके साथ की दिक्कत नहीं है, दिक्कत मदनी साहब के साथ की है। मैं कहता हूँ आप हलाला पे क्यों नहीं बोलते भाई? आप तीन तलाक पे क्यों नहीं बोलते? आप हलाल पे क्यों नहीं बोलते? इस्लामिक जाति आतंकवाद पे क्यों नहीं बोलते? ये इतनी बड़ी संस्था है और आखिरकार ये सरतन से जुदा की गैंग पे क्यों नहीं बोलती? आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों को पालने पोसने वाले मानव को क्यों नहीं बोलती? आखिरकार लगातार जो लगभग की घटना है उस पर क्यों नहीं बोलती? संविधान ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अजहरी साहब पहले माइंड क्लियर कर लिया करिए सर, और सोचा करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और ऐसा मत सोचिए कि देश की जनता समझती नहीं है, आप ही के अपने समुदाय के लोग आप पर हंस रहे होंगे, देश के लोग। मैं आ रहा हूँ शबनम, एक सवाल का जवाब। अच्छा ठीक है, रुकिए, अभी दो लोग वेट कर रहे हैं बहुत धैर्य के साथ, सीखिए उनसे भी कुछ, जिस धैर्यता की बात आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे। शबनम कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से स्कूल कॉलेज अफगानिस्तान बना दिया है क्या, कि अलग से स्कूल कॉलेज धर्म के आधार पर खुल जाएगा? पहले तो मदनी सर से ये पूछा जाए कि जो इतने साल पहले जब एजुकेशन की सख्त जरूरत थी मुस्लिम बेटियों को, तब तो आपने मुसलमान बेटियों के नाम पर ही चलिए एक छोटा सा स्कूल खोला होता तो मुझे समझ आता कि हाँ हमारे लिए बड़ी चिंता। और आपको एक बात बता दूं, इन्होंने इस्लाम धर्म को कितने दायरे में बांध रखा है, औरत, हिजाब, सेक्स, बच्चा, बस आप यही करते रहिए, इससे आगे ना आपको बढ़ने दिया जाएगा ना पढ़ने दिया जाएगा। और ये जो आठवीं क्लास के बाद आप हमें मुस्लिम स्कूल भेजना चाह रहे हैं ना जनाब, हम अपने भारत के देश के साथी बच्चों के साथ बैठ के पढ़ेंगे। आप हैं कौन बेटियों के लिए जो जिसका मुंह देखिए? अभी अजहरी भाई कह रहे थे
कि कहा सही लेकिन कोई कहलवा रहा है, जरा नाम बताइए कौन कहलवा रहा है। वो दूध पीते बच्चे हैं क्या जो मर्जी बोल देते हैं किसी के कहने से? थोड़ी सी देश के लिए संवेदनशीलता लेकर आइए। आप लोगों को सिर्फ एक ही मकसद है, आप सबका, मंदिर, मस्जिद, औरत, बच्चे पैदा करना, बस इससे आगे आप ना मुसलमानों को बढ़ने देते हो ना पढ़ने देते हो। और ये जितने मौलाना सो कॉल्ड मौलाना हेड बन के बैठे हो ना आप हमारे, मैं सही बता रही हूं, थोड़ा सबर से और थोड़ा दिमाग से काम लेना शुरू करिए, वरना यही देश के मुसलमान आपको दौड़ा दौड़ा के भगाएंगे। खराब शब्द है लेकिन मैं कहूंगी जरूर। मुमताज आलम रिजवी साहब, मैं आ रहा हूं इसके बाद आजारी साहब आपके पास, लेकिन पहले रिजवी साहब जरा मुझे समझाइए, ये आठवीं के बाद अलग स्कूल कॉलेज कहना क्या चाहते हैं अरशद मदनी, क्यों ऐसा आठवीं के बाद? देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल हो रहा है और जो बुराइयां पैदा हो रही हैं समाज में उसको, और उन्होंने सिर्फ मुस्लिम नहीं कहा, ये कहा है कि अगर उसमें गैर मुस्लिम भी लड़कियां आना चाहें। अरे वो तो बाद में कहा उसमें, रिजवी भाई वो तो बाद में कहा, इसीलिए हमने 13 तारीख का भी एक बयान सुनवा दिया जो देवबंद में कहा था राकेश भाई कि मुस्लिम लोगों को, हाँ। आपके सारे मुसलमान लड़के हिंदू बेटियों के साथ शादी कर करके उनका मर्डर कर दें, उनको दबा दें, कुचल दें। नहीं, हिंदू बेटियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज हो, उसमें जाकर पढ़े, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल कॉलेज हो जाए, ये गलत बात है। नहीं देखिए, ऐसा है, एक तो हमेशा गुफ्तगू में जो है बड़ी संजीदगी होनी चाहिए। शबनम खान साहिबा जब भी आती हैं वो जहर उगलने काम करती है, सच बोलती है। क्या है भाई? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। आईना देखिए, ऐसा है कि किस तरफ लेकर जा रहे हो? हम शक्ल देखे हुए हैं, हम शक्ल देखे हुए हैं, आपको जरूरत नहीं है बताने की। आप नहीं जाने दे रहे हो, डरा रहे हो उनको। नहीं नहीं नहीं, सबको आजादी है, आपको आजादी है ना, आप टीवी पे बैठी है, आजादी की वजह से बैठी है। नहीं नहीं, अच्छा रुकिए 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 रुकिए, किसने आप? अरे रजवी भाई सुनिए ना, सुनिए राकेश भाई एक मिनट, मुझे वो अरे सब छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए, सुनिए सुनिए रजवी भाई, जो मेरा सवाल था मैं वाकई समझना चाहता हूँ कि ये आठवीं के बाद अलग स्कूल क्या चल रहा था अरशद मंदी के दिमाग में, क्यों ये कह रहे थे? ठीक है, मुझे लग रहा है एक तो ये कि मुसलमानों को स्कूल खोलने की जरूरत है, आप ही लोग कहते हैं कि इन्हें मदरसों से निकल के स्कूल की तरफ आना चाहिए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, अरे अलग से मुस्लिम लड़कियों के लिए इस देश में, सुनिए ना मैं आपको बता रहा हूँ रिजवी साहब, इस देश में अलग से गर्ल्स कॉलेजेस हैं अरे जहाँ पर सभी धर्मों की बच्चियां जाती हैं पढ़ने के लिए। राकेश, ऐसा नहीं है कि इस देश में गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल नहीं है। नहीं नहीं, आप देखिए, आप जो है विनोद बंसल जी को नहीं रोकेंगे, आप जो है शबनम, विनोद बंसल जी भी गलत बोलेंगे तो उनको रोकूंगा। नहीं नहीं, आप राजू दास, आप मेरे सवाल की लाइन पर रहिए ना, मैं आपको एक मिनट अनइंटरप्टेड देता हूँ, सुनिए। अरे रुकिए रुकिए, मैं आपकी समस्या का भी समाधान कर देता हूँ, बोलना इनको। रिजवी साहब, मैं आपकी समस्या का भी समाधान कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ अगले एक मिनट आपको कोई नहीं टोकेगा। इस देश में गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स स्कूल है, लेकिन मुस्लिम लड़कियों के लिए आठवीं के बाद से अलग से हो जाए, क्यों भाई? बोलिए रिजवी भाई, बोलिए, अब तो समय दे दिया अनइंटरप्टेड। जी देखिए, ऐसा है राकेश भाई कि एक तो ये कि मुसलमानों में अगर स्कूल खोलने की रवायत शुरू हो रही है मदरसे की बजाय स्कूल खोलने की, अगर जमीयत उलमा हिंद जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये बात कह रही है, तो सबसे पहले तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसका खैर मकदम करना चाहिए कि भाई स्कूल खोलने की बात तो शुरू हो गई। एक मिनट, एक विनोद जी इसके बाद बोल लीजिएगा, मैंने इनको एक मिनट अनइंटरप्टेड दिया है तो जरा बोल लेने दीजिए, इनके मन की बात बाहर निकल जाए, बोलिए। टाइम तो वैसे ही खा लिया इंतजार में। वो ये कि स्कूल अगर जमीयत उलमा हिंद जैसी ऑर्गेनाइजेशन खोलने की बात कर रही तो उसका स्वागत होना चाहिए कि अब ये स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे तक मुनसिर नहीं है, सिर्फ मदरसे की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दो ये कि मुस्लिम लड़कियां जो अभी तक पीछे थी अब वो बहुत तेजी से आगे आ रही है। देखिए, अलग खोले ना खोले लेकिन मुस्लिम लड़कियां आप देख लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड में वो सब बहुत तेजी से आगे आ रही हैं। मैं मेरे सवाल की लाइन पर नहीं रहेंगे तो मैं बीच में आऊंगा,
मेरे सवाल की लाइन पर नहीं रहेंगे तो मैं बीच में आऊंगा। इस देश में किसी मुस्लिम को किसी ने नहीं मना किया कि जाकर स्कूल कॉलेज ना खोले, खोले ना भाई, उसमें सभी धर्मों की लड़कियां जाए पढ़े, लेकिन ये कि मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग से खोल लो, भले छप्पर में खोल लो, भले झोपड़ी में खोल लो, लेकिन वहां सिर्फ मुस्लिम लड़कियां आ जाए। देखिए उन्होंने कहा है कि अगर गैर मुस्लिम लड़कियां भी वो आना चाहती हैं तो वो आए। देखिए ऐसा है, जब इदारा कायम हो जाता है, जब स्कूल बन जाता है, मुझे लग रहा है कि उसमें सारे लोग पढ़ते हैं। देखिए जो आरएसएस की स्कूल है उसमें मुस्लिम बच्चियां भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं जाती हैं, जो और स्कूल सब। तो इसलिए हमारे बच्चे जो है भारतीय विद्या भवन मेहता विद्यालय में पढ़ते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि अब मैं आपको समझ पा रहा हूँ रिजवी साहब, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे। विनोद बंसल जी, आपके हिसाब से अर्शद मदनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि आठवीं के बाद अलग से स्कूल, एक महीने के अंदर दो बार बयान, मुस्लिमों से कह रहे हैं कि भाई भले छप्पर में खोलो, भले झोपड़ी में खोलो, लेकिन अपनी बेटियों के लिए अलग से स्कूल खोलो। देखिए लफ्जियात के जो नए नए तरह के प्रपंच और षड्यंत्र है ना, इनको समझना पड़ेगा। आपके टाइम्स नाउ के सुदूरदर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से आठवीं कक्षा के बाद में लड़कियां प्यूबर्टी को अटेंड कर लेती हैं, इनके इस्लाम के अनुसार वो शादी के लिए और सेक्स के लिए परिपक्व हो जाती हैं। और आप देखिए कि ये इनके लड़कियों को फंसाने के नए नए सगुफे और षड्यंत्र हैं, आप समझना पड़ेगा इस बात को कि। और हिंदू लड़कियों को भी फंसाने की कोशिश है कि अगर वो आती है तो आने दो। अरबी क्यों आती है भाई, ये नहीं कहेंगे कि मुस्लिम लड़कियां अगर हिंदू विद्यालय में जाती हैं तो उनको जाने दो? ये कभी किसी को सुना है क्या, कभी ये बोलते हुए नहीं सुना होगा। और दूसरी बात ये कि लव जिहाद को और धर्मांतरण की अड्डे खोल रहे हैं, क्यों नहीं जाती है, क्या बात कर रहे हैं आप विनोद वंशल जी? नहीं बिल्कुल जाती है, किस नेता ने कहा? मैं चैलेंज देता हूं, यूनिवर्सिटी चैलेंज करता हूं, किसी भी आपके मुस्लिम धर्म के मुस्लिम नेता ने कहा हो मुस्लिम लड़कियों को जब वो बीएड करेंगी, पढ़ने के लिए देंगी, एमबीबीएस करेंगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, कहां जाएंगी वो? अरे कहां जाएंगी, क्या बात कर रहे हैं? अरे रिजवी साहब सुनिए ना, अरे रिजवी साहब, विनोद बंसल ने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती हैं, उन्होंने कहा कि ये बात मदनी ने नहीं कही, आप समझिए इस बात को। वो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मुस्लिम लड़कियां नहीं जाती वहां पर जहां पर हिंदू लड़कियां पढ़ रही हैं। भाई जब आप सवाल करेंगे वैसा, वरना तो जो एक सही चीज है कि भाई जो हालात पैदा हो गए, आप देखिए इतने रेस के मामले बढ़ रहे हैं, इतनी गलत चीजें, सब लोग एक साथ नहीं बोले, पहले विनोद बंसल का सवाल, फिर हजारी साहब आपके पास, फिर राजू दास जी आपके पास, फिर शबनम आ रहा हूं। राकेश जी मैं बड़ा टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। अभी मैं चाहता हूं कि देखिए इतने बुजुर्ग और वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मुस्लिम समुदाय उनको मानता है, मुझे अच्छा लगता है अगर वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हम हलाला की वो अभिशाप से मुक्ति दिलाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि भारत को हलाल के जो षड्यंत्र से मुक्त करेंगे, जो हलाल के माध्यम से देश के अंदर पैरेलल अर्थव्यवस्था क्रिएट हो रही है उससे देश को मुक्त करेंगे। मुझे अच्छा लगता है मुस्लिम लड़कियों के बारे में कहते पहले चीजों को पढ़िए, बंसल साहब आपके साथ मामला ये है कि आप पढ़ते नहीं है, आपको जानना नहीं चाहते, क्योंकि माहौल ऐसा बन गया है कि कुछ भी कह दीजिए आप। नहीं माहौल बनाया किसने है? जब आप पढ़े ठीक है, रुकिए आजादी साहब, माहौल किसने बनाया है? अर्शद मदनी नहीं बोले होते तो नहीं चर्चा कर रहे होते, किसी और मुद्दे पर बात कर रहे होते, तो माहौल बनाया किसने भाई? ये बताइए आठवीं कक्षा के बाद तो ये अलग से करेंगे विद्यालय, मैं कहता हूँ मेडिकल की पढ़ाई कैसे करेंगे, आखिरकार इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अलग से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे? ठीक ठीक विनोद जी रुक जाइए, विनोद जी रुकिए, बोलिए साहब के साथ बात नहीं कराते हैं आप, बोलिए आप डिबेट में भी हिंदू मुस्लिम कर देते हैं, यहाँ भी आप अरे आप प्रवक्ता है, आप क्यों हिंदू मुसलमान बन जाते हो? अरे बोलिए ना, आप मत प्रोपेगेंडा खेलिए सर डिबेट में, अच्छा रुकिए ना, मैं एक मिनट रुकिए, आजारी साहब जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, ये टैगिंग क्यों करने लगते हैं? फिर शबनम आपको टैगिंग देंगी, आपको नहीं अच्छा लगेगा क्या? आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना, ये तो जिहादी पत्र है, जो अभी मुझसे मेरे बोलने के बाद मुझसे जो सवाल किए गए आपने मुझे बोलने को नहीं दिया। शबनम जी ने मौलाना और पता नहीं पिछले एक मिनट से सर आप ज्ञान दे रहे हैं, समय खराब हो रहा है। मैं नहीं, आप कर रहे हैं, आप पैदा कर रहे हैं। अरे कहां रखे, ठीक है रुकिए शबनम माहौल कौन खराब कर रहा है? जवाब नहीं है उनका, प्रश्न क्या पूछ रहे हो? ठीक है शबनम माहौल कौन खराब कर रहा है? राजू दास जी बस आधा मिनट दे दीजिए, आ रहा हूँ मैं, बोल
रही हूँ कि आपको अगर बेटियों की पढ़ाई की इतनी ही चिंता है तो कहना चाहिए था, आओ बेटियों मैं बैग उठाऊंगा आपका, चलिए स्कूल की तरफ चलते हैं। आप ये टैगलाइन देकर कभी बाहर नहीं आएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, मुसलमानों की वोट किसको दिलवानी है, वो जो सत्ता थी मलाई खाते थे सारी जिंदगी मुसलमानों के नाम पे, वो जो हाथ से फिसल रही है उसको कैसे बटोरा जाए, सिर्फ यही है। अभी मैं देवबंद में थी, मैंने देवबंद के बहुत सारे लोगों से पूछा, उन्होंने कहा सारी जिंदगी अपना ही पेट मोटा किया इन लोगों ने, कोई हमारे लिए काम नहीं करते, ना कोई समाज के लिए मुसलमान कैसे आगे दिशा में बढ़ेगा उस पर काम करते हैं। काम क्या है, कांग्रेस को कैसे फायदा दिया जाएगा, कैसे समाजवादी पार्टी को फायदा दिया जाएगा, नफरत मोदी जी के नाम पे कैसे फैलाई जाएगी, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा दिखा के अपने पेट कैसे मोटेगी। ठीक है आजारी साहब, सुना करिए सर, आपके बीच में कोई बोलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप सबके बीच में बोलेंगे, आप सबके बीच में बोलेंगे, ये आपने तय करके रखा हुआ है। राजू दास जी रुक जाइए, हिंदू लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, अरे रुक जाइए ना, मुस्लिम भाई की बहन है, आपके भाई ने कितनी हिंदू मुस्लिमों को अपने कब्जे में किया, अरे रुकिए आजारी साहब, एक मिनट एक मिनट आजारी साहब, ये प्लीज मत बोला करिए भाई, सुनिए सुनिए मत बोला करिए, वरना विनोद बंसल आपको लिस्ट पकड़ा देंगे कि कितने इस तरीके के केसेस हुए। मैं नहीं जाना चाहता हूं उधर, महंत राजू दास जी रुक जाइए, रुकिए, सबकी आवाज डाउन है प्लीज, सबकी आवाज पीछे डाउन है प्लीज, सबकी आवाज डाउन है। राजू दास जी, मुस्लिम लड़कियों को कंधा बंद उनका कंधे का इस्तेमाल करना हो या फिर अयोध्या, क्या सिर्फ माहौल बना रहे हैं अरशद मदनी, और असली टारगेट पर 24 का चुनाव है, आपको लगता है ऐसा? देखिए पहली बात तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने वरिष्ठ इस्लाम के वो रहनुमा हैं और उनके मानने वाले भी देश में लोग हैं, उनके विचार पर देखिए अभी नूर साहब तुरंत पलट गए, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं उनका बयान ठीक नहीं था, फिर तत्काल उनके पक्ष में बयानबाजी करना शुरू कर दिया, उनका एक ओहदा है, लेकिन उनकी मानसिकता है शुद्ध रूप से समाज को तोड़ने वाला, समाज को बांटने वाला, मुसलमानों को लामबंद करके और बीजेपी से हटाकर कहीं अलग वोट शिफ्ट करने का इरादा, शुद्ध रूप से 2024 में मुसलमान कहीं बीजेपी के साथ ना हो जाए, अगर जरा सा भी बीजेपी के साथ हो गया तो बीजेपी वैसे कोई हटा नहीं पाएगी। ठीक है, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा समय और मैं आपको आपका चाहूंगा। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक बाबर का तुलना करना कितने दुर्भाग्य की बात है, एक आक्रांता, एक बलात्कारी, एक बेबिचारी, एक कुकर्मी बाबर, उसका तुलना करना इस्लाम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है, समय कम है, और जाहिर सी बात है ये माहौल बनाने के लिए ही बयान दिया गया अरशद मदनी का। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन